सेल्फ रिव्यू एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन से अपने प्रोग्रामिंग का रिव्यू करते हैं जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखी, सबसे शुरुआत में सी प्रोग्रामिंग सीखी, उसका रिव्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, फॉलोड फ्रॉम डिटेल एंड डिटेल। फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी आगे खाली स्थान है उनको भरना है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अब इनको वन बाई वन देख लेते हैं। एवरी सी प्रोग्राम बिगिन एग्जीक्यूशन एट द फंक्शन। कोई भी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम है, उसका एग्जीक्यूशन कहाँ, किस फंक्शन से स्टार्ट होता है, किस फंक्शन से आरंभ होता है, तो इसका आंसर है मेन फंक्शन। जैसे कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसमें मेन फंक्शन जहाँ लिखा होता है उसके बॉडी में क्या लिखा है वो ही एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी फंक्शंस बॉडी बिगन्स विद एंड एंड्स विद। कोई फंक्शन है उसकी बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर एंड होती है। तो कोई भी फंक्शन है उसकी बॉडी लेफ्ट ब्रेस से स्टार्ट होती है, राइट ब्रेस से एंड होती है। मतलब जैसे फंक्शन में ये मेन फंक्शन है तो इसका, इसके अंदर क्या कंटेंट है, क्या क्या लिखा जा रहा है, जो इसका, इसकी बॉडी कहलाता है, वो बाएं मजले कोष्ठक से स्टार्ट होती है, आरंभ होती है और दाएं मजले कोष्ठक पर बंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी स्टेटमेंट एंड्स विद एन। कोई भी स्टेटमेंट है उसका एंड कहाँ पर होता है, आंसर देखते हैं। कोई भी स्टेटमेंट है उसका एंड सेमी कॉलन पर होता है। जैसे ये प्रोग्राम है, इसमें किसी भी लाइन में देखा जा सकता है इसका एंड एक सेमी कॉलन पर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जो सी प्रोग्रामिंग में इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है, आंसर printf। printf एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं उस समय स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। जैसे ये printf स्टेटमेंट है, गिव एन इंटीजर न्यू लाइन, और ये printf स्टेटमेंट गिव इंटीजर और i की वैल्यू प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश एन रिप्रेजेंट्स द करेक्टर। जो एस्केप सीक्वेंस है बैकस्लैश एन, ये किस करेक्टर को डिनोट करता है जिससे कर्सर नई लाइन में स्क्रीन पर नई लाइन के शुरुआत से शुरू होता है, शुरुआत में चला जाता है। मतलब ये कौन से करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है बैकस्लैश एन, जिससे जब इसको प्रिंट टाइप में दिया जाता है तो कर्सर नई लाइन के शुरू में चला जाता है, आंसर देखते हैं। न्यू लाइन करेक्टर, जैसे यहाँ पर बैकस्लैश एन लिखा है तो ये प्रिंट होने के बाद कर्सर न्यू लाइन में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन कौन सा है जो जब कीबोर्ड से हम कुछ डाटा देते हैं तो उनको रीड करता है। उत्तर, वो लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन स्कैनएफ है। जो भी इन कीबोर्ड से इनपुट देंगे वो यहाँ पर ये वेरिएबल में पढ़ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कन्वर्जन स्पेसिफायर कौन सा है जो स्कैनएफ फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग, जो स्कैनएफ में पहले स्ट्रिंग होती है उसमें इंटीजर को इंडिकेट करने के लिए, इनपुट में इंटीजर को इंडिकेट करने के लिए, या प्रिंटएफ फॉर्मेट स्ट्रिंग में आउटपुट में इंटीजर को डिनोट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो वो कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज डी है जो इंटीजर के लिए, डेसिमल इंटीजर के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन एवर ए न्यू लाइन इज प्लेस्ड इन ए मेमोरी लोकेशन दैट वैल्यू ओवरराइड्स द प्रीवियस वैल्यू इन दैट लोकेशन, दिस प्रोसेस इज सेड टू बी। जब भी हम कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन में किसी वेरिएबल की नई वैल्यू देते हैं, कोई वेरिएबल उसको नई वैल्यू देते हैं, नया मान देते हैं, तो वो पुरानी वैल्यू को वहाँ से हटा देता है और नई वैल्यू लिख देता है मेमोरी लोकेशन में उस जगह पर। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं,
तो इस प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहते हैं। जैसे स्कैन ऐप में हमने आई की वैल्यू रीड की, तो आई की पुरानी वैल्यू क्या भूल जाएगा और वहाँ पर नई वैल्यू जो भी रीड किया वो दे देगा। इस प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन से कोई वैल्यू रीड की जाती है और उसको चेंज नहीं किया जाता, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहते हैं। जब प्रिंट ऐप में हमने आई की वैल्यू रीड की लेकिन वहाँ पर आई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया। डिसीजन लेने के वाले स्टेटमेंट्स को जो द स्टेटमेंट इज यूज टू मेक डिसीजन, जो डिसीजन लेते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं? तो ये स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट होता है। जैसे इस एग्जांपल में इफ आगे जो भी कंडीशन है वो और आगे लिख दिया। यहाँ पर ये ट्रू है, जो कंडीशन लिखी है ट्रू है या फॉल्स है उसके आधार पर ये डिसीजन लेगा। ट्रू है तो बॉडी में जो लिखा है वो काम करेगा, फॉल्स है तो नहीं करेगा। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब कुछ उदाहरण दिए जाएंगे, उनमें ये बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ये कुछ क्वेश्चंस, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मतलब क्वेश्चंस हैं, ये उनके आंसर्स हैं। हम बड़े करके देख लेते हैं। यदि किसी का आंसर फॉल्स है तो वहाँ कारण भी बताना है। पहला क्वेश्चन, जो प्रिंटर फंक्शन है वो हमेशा नई लाइन से लिखना स्टार्ट करता है, नई लाइन में शुरुआत से लिखना स्टार्ट करता है, आरंभ करता है। तो ये कथन, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रिंटर नई लाइन के शुरुआत से लिखना स्टार्ट नहीं करता, वो जहाँ कर्सर है वहीं से लिखना स्टार्ट कर देता है। इसके लिए एक एग्जांपल है, जैसे प्रिंट ऐप पहले में समथिंग लिखा, स्पेस लिखा और दूसरे में टू प्रिंट। अब जो ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले प्रिंट ऐप से समथिंग स्पेस तक प्रिंट हो जाएगा। जो बाद में नया प्रिंट ऐप है उसको प्रिंट कर रहे हैं, उसका आउटपुट जो है टू प्रिंट। ये इसी लाइन में यहाँ प्रिंट हो गया, ये नई लाइन में नहीं गया। इसका मतलब अपना क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट गलत था, असत्य था। Commands cause the computer to display the text after double slash on the screen when the program is executed. जो कमेंट्स होते हैं जिनको हम डबल स्लैश से स्टार्ट करते हैं वो स्क्रीन पर जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो स्क्रीन पर टेक्स्ट को डिस्प्ले करते हैं जो इनके आगे लिखा हुआ है। ये सेंटेंस भी गलत है, फॉल्स है। और इसका कारण, कमेंट्स ऐसा कुछ नहीं करते क्योंकि प्रो कमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होते ही नहीं, जब एग्जीक्यूट करते हैं वहाँ पर उनकी को काम में लिया ही नहीं जाता, उनको कंपाइलर ही नहीं पढ़ता। ये सिर्फ प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे इस एग्जांपल में यहाँ स्लेस स्टार स्टार स्लेस वाला एक कमेंट है, यहाँ डबल स्लेस वाला कमेंट है, दिस इज ए कमेंट। ये जस्ट प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हैं, जो रीडर रीड कर रहा है उसको ये अच्छे समझ में आए, इसके लिए और कोई मीनिंग नहीं है। एस्केप सीक्वेंस बैक स्लेस एन जो है वो जो प्रिंट ऐप में यूज किया जाता है, प्रिंट ऐप की फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग में यूज किया जाता है, तो ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन के शुरुआत में ले जाता है। हाँ सही है, ट्रू है। जैसे पिछले एग्जांपल में समथिंग क्या किया, यहाँ बैक स्लेस एन लगा दिया तो प्रिंट आउट में समथिंग के आगे जो नेक्स्ट प्रिंट ऐप प्रिंट कर रहा है वो शुरुआत से स्टार्ट हुआ प्रिंट होना। आगे दो क्वेश्चंस हैं। ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिफाइंड बिफोर दे आर यूज्ड, ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी गिवन ए टाइप व्हेन दे आर डिफाइंड। मतलब यदि कोई फंक्शन है, कोई वेरिएबल है, उसको हम काम में ले रहे हैं, जैसे किसी एक्सप्रेशन में काम में ले रहे हैं, कैलकुलेशन में काम में ले रहे हैं, प्रिंट या स्कैन में काम में ले रहे हैं, उससे पहले उसको डिफाइन करना ज़रूरी है, उसको बताना ज़रूरी है कंप्यूटर को कि ऐसा कोई वेरिएबल हम काम में लेंगे।
पहला क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसा बताने के लिए उसका डाटा टाइप बताना जरूरी है कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, करेक्टर है, डबल है, क्या है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर ट्रू है, दोनों ही कथन सत्य हैं। जैसे यहाँ पर हमने ए इक्वल टू बी प्लस सी लिया, एक को बी और सी की वैल्यू का एडिशन असाइन कर रहे हैं, तो इससे पहले यहाँ इनको बताया भी गया है कि ए बी सी हम काम में लेंगे, और इनका डाटा टाइप बता दिया गया कि ये इंटीजर हैं। तो ऊपर वाला पार्ट डेफिनेशन है, नीचे वाला पार्ट यूज है। सी कंसिडर्स द वेरिएबल नंबर एंड नंबर टू बी आइडेंटिकल। यहाँ ये नंबर में सारे लोअर केस में छोटे अक्षर हैं, और दूसरे नंबर में एन एम और ई बड़े अक्षरों में। क्या इनको सी प्रोग्रामिंग समान तरह से दिखाएगा, समान तरह से काम में लेता है, समान मानता है, एक जैसा मानता है? तो आंसर है फॉल्स। सी केस सेंसिटिव है, तो वेरिएबल नेम्स को एक जैसा नहीं मानता। यहाँ पर एन एम और ई जो इस वेरिएबल नेम में है, वो एक में लोअर केस हैं, दूसरे में अपर केस हैं, इसलिए इनको अलग अलग माना जाएगा। सी प्रोग्रामिंग में बॉडी में किसी भी फंक्शन, किसी भी वेरिएबल की डेफिनेशन कहीं भी लिख सकते हैं। क्या ये सही है? आंसर है नहीं, गलत है, फॉल्स है, असत्य है। इसका कारण, सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल की डेफिनेशन सबसे ऊपर दी जाती है, और एटलीस्ट कोड में किसी वेरिएबल को यूज किया उससे पहले तो देनी ही पड़ेगी। और माइक्रोसॉफ्ट यूजुअल सी प्लस प्लस है, उसमें तो इसको मेन फंक्शन की बॉडी जहाँ स्टार्ट होती है वहीं शुरुआत में सब वेरिएबल्स की डेफिनेशन देनी ज़रूरी है। नेक्स्ट, ऑल आर्गुमेंट्स फॉलोइंग द फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग इन ए प्रिंटएफ स्टेटमेंट मस्ट बी प्रीसीडेड बाय एन एम्परसेंड। तो प्रिंटएफ स्टेटमेंट में, प्रिंटएफ फंक्शन में कुछ भी हम आर्गुमेंट देते हैं जो उसकी फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग के बाद में आते हैं, उन आर्गुमेंट्स में एम परसेंट लगाना ज़रूरी है। क्या ये कथन सत्य है? नहीं, ये फॉल्स है, असत्य है। क्योंकि आर्गुमेंट्स जो प्रिंटएफ स्टेटमेंट में देते हैं ये एम परसेंट के साथ नहीं होते, ये स्कैनएफ में ऐसा हम करते हैं, क्योंकि ये एम परसेंट है वो एड्रेस को डिनोट करता है, और हम प्रिंट टाइप में एड्रेस प्रिंट नहीं कर रहे। यदि एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं तो हमें एम परसेंट लगाना होता है, अन्यथा नहीं। द रिमाइंडर ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विद इंटीजर ऑपरेंड्स। जो रिमाइंडर ऑपरेटर है, शेषफल संकारक, जो सी प्रोग्राम में परसेंटेज से डिनोट किया जाता है, उसको इंटीजर्स पे लागू किया जा सकता है। आंसर है ट्रू, हाँ, इंटीजर्स पे ही लागू किया जा सकता है, क्योंकि ये इंटीजर्स के लिए परिभाषित है। सी प्रोग्रामिंग में फ्लोटिंग पॉइंट रिमाइंडर भी एक फंक्शन है जो मैथ लाइब्रेरी में डिफाइंड है, लेकिन ये जो परसेंटेज ऑपरेटर है ये सिर्फ इंटीजर्स के लिए है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स स्टार, स्लैश, परसेंटेज, प्लस एंड माइनस ऑल हैव द सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस। सी प्रोग्रामिंग में जो ये पांच ऑपरेटर बताए हैं, मल्टीप्लाई, कोशेंट मतलब डिवाइड, शेषफल, रिमाइंडर, एडिशन जोड़ना और घटाना, डिफरेंस, इनका इनकी वरीयता समान होती है, इनको बराबर वरीयता दी जाती है कैलकुलेशन में। क्या ये कथन सत्य है? आंसर ऑफ फॉल्स, नहीं, ये असत्य है। इसका कारण है कि जो मल्टीप्लाई, डिवाइड या रिमाइंडर मतलब शेषफल, गुणा और भाग, इनकी वरीयता ऊपर होती है, ज़्यादा होती है, इनको पहले कंप्लीट किया जाता है, उसके बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जोड़ना और घटाने का काम किया जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक्सप्रेशन है ए इक्वल टू फोर स्टार फाइव प्लस सिक्स अपॉन स्लैश थ्री। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा, सबसे पहले हम फोर स्टार फाइव इसको सॉल्व करेंगे एंड सिक्स अपॉन थ्री उसको सॉल्व करेंगे। फोर स्टार फाइव मतलब फोर मल्टीप्लाइड बाई फाइव ट्वेंटी हो जाएगा, सिक्स अपॉन थ्री टू हो जाएगा,
उसके बाद एडिशन को कंप्लीट करेंगे और ए की वैल्यू 22 हो जाएगी। ए प्रोग्राम दैट प्रिंट्स थ्री लाइन्स ऑफ आउटपुट मस्ट कंटेन थ्री प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट्स। एक प्रोग्राम जो तीन लाइनों में आउटपुट को प्रिंट करता है, तीन पंक्तियों में आउटपुट को प्रिंट करता है, उसमें तीन प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट बनने चाहिए। क्या ये कथन सत्य है? नहीं, ये कथन असत्य है। एक ही प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में बैक स्लैश एन लगाने पर वो हमें न्यू लाइन में ले जाएगा, इसलिए एक से ज़्यादा बैक स्लैश एन लगा कर हम अलग अलग लाइन्स में प्रिंट कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, प्रिंट ऑफ फर्स्ट लाइन बैक स्लैश एन, सेकंड लाइन बैक स्लैश एन, थर्ड लाइन बैक स्लैश एन, तो इसका आउटपुट होगा इस तरह से, तीन लाइनों में आ गया। फर्स्ट लाइन पहली में आ गया है, सेकंड लाइन दूसरी पंक्ति में आ गया है, थर्ड लाइन तीसरी पंक्ति में आ गया है। यानी यहाँ स्टेटमेंट में एक ही प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लिखा। अब आगे के क्वेश्चंस राइट ए सिंगल सी स्टेटमेंट टू अकॉम्प्लिश ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें आगे जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट लिखना है, सी में प्रोग्रामिंग का एक स्टेटमेंट लिखना है जो उस क्वेश्चन का आंसर हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स हैं, अभी एक करके देख लेते हैं। डिफाइन द वेरिएबल सी, दिस वेरिएबल Q76354 एंड नंबर टू बी टाइप ऑफ इंटीजर। एक सी प्रोग्राम का स्टेटमेंट लिखना है जो सी दिस वेरिएबल Q76354 और नंबर इस नाम के वेरिएबल्स को इंटीजर के रूप में डिक्लेयर करे। आंसर या इंट आगे सी कोमा दिस वेरिएबल कोमा Q76354 कोमा नंबर, इस तरह से लिख देंगे। हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, इंट सी सेमी कॉलन, बाद में इंट दिस वेरिएबल को सेमी कॉलन, बाद में इंट Q76354 सेमी कॉलन एंड इंट नंबर सेमी कॉलन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है, रन किया जाता है, और प्रिंट करना है एंटर एन इंटीजर, एंटर एन इंटीजर ऐसा प्रिंट हो, उसके बाद में एक कोलन प्रिंट हो और उसके बाद में एक स्पेस प्रिंट हो, इस तरह का प्रिंट आउट है। तो स्टेटमेंट होगा इस तरह से, प्रिंट है यहाँ डबल कोटेशन में एंटर द इंटीजर, एंटर एन इंटीजर, बाद में कोलन और बाद में स्पेस देना होगा। एक स्टेटमेंट लिखना है जो कीबोर्ड से वेरिएबल को रीड करता है और जो भी वेरिएबल हम एंटर करते हैं कीबोर्ड से उसको ए में स्टोर कर लेता है। इसके लिए हमें लिखना होगा स्कैन एफ, इंटीजर है तो यहाँ परसेंटेज डी और एम परसेंट ए एज आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है लिखना है इफ नंबर इज नॉट इक्वल टू 7 प्रिंट द वेरिएबल नंबर इज नॉट इक्वल टू 7। मतलब ये प्रिंट करना है कि इस तरह का स्टेटमेंट लिखना है कि यदि नंबर 7 के बराबर नहीं है तो ये प्रिंट करे द वेरिएबल नंबर इज नॉट इक्वल टू 7। तो इसके लिए हम एक प्रिंटर स्टेटमेंट लिख देंगे, पहले इफ कंडीशन लगाएंगे, उसकी इफ कंडीशन लगाएंगे नंबर इज नॉट इक्वल टू 7, मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल, जो सी प्रोग्राम नॉट इक्वल के लिए काम में लिया जाता है। और आगे प्रिंट ऐप में जो भी हमें आउटपुट देना है वो लिख देंगे। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये प्रिंट ऐप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एक नया प्रोग्राम नई लाइन लिखनी है, सी स्टेटमेंट लिखना है जो प्रिंट करे दिस इज ए सी प्रोग्राम, एक ही लाइन में प्रिंट करे। तो प्रिंट है दिस इज ए सी प्रोग्राम कर दिया। फिर से वही प्रिंट करना है लेकिन ये दो लाइनों में प्रिंट करे और पहली लाइन का एंड सी के बाद में हो, तो हम सी के बाद में बैक स्लैश एन लगा देंगे। यदि सारे अक्षर अलग अलग लिखे, सारे वर्ड्स अलग अलग लिखे जाए, जैसे दिस अलग, इज अलग, ए अलग, सी अलग, प्रोग्राम अलग, तो सबके आगे बैक स्लैश एन लगा देंगे सबके बीच में। यदि ये सारे करेक्टर्स सिंगल टैब से डिस्टिंग्विश हों तो उसके लिए बैक स्लैश टी लगा देंगे सबके बीच में। अगला, राइट ए स्टेटमेंट और कमेंट टू अकॉम्प्लिश ईच ऑफ द फॉलोइंग।
हमें फिर से उसी तरह से करना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं, ये इनके आंसर्स हैं। अब बारी बारी से एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट दैट ए प्रोग्राम विल कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ थ्री इंटीजर्स। एक ऐसा सेंटेंस लिखो जो तीन इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करे। ऐसा लिखे मतलब ऐसा हमें कमेंट के रूप में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन द वेरिएबल एक्स वाई जेड एंड रिजल्ट टू बी टाइप ऑफ इंट। दूसरा एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना है जो एक्स वाई जेड एंड रिजल्ट को इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करे। तो पहला क्वेश्चन डबल स्लैश के आगे लिख देंगे, कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ थ्री इंटीजर्स, और डिफाइन द वेरिएबल्स इसमें इंट आगे स्पेस एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा रिजल्ट सेमीकोलन ये लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर थ्री इंटीजर्स। यूजर्स को तीन इंटीजर इनपुट के रूप में देने के लिए कहें, मतलब ऐसा प्रिंट हो कि एंटर थ्री इंटीजर्स ऐसा प्रिंट हो। एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना है। दूसरा स्टेटमेंट लिखना है, रीड द इंटीजर्स, रीड थ्री इंटीजर्स फ्रॉम द कीबोर्ड एंड स्टोर देम इन। कीबोर्ड से तीन वेरिएबल रीड करने हैं, तीन इंटीजर रीड करने हैं जो कीबोर्ड से टाइप करेंगे, और पहले की वैल्यू एक्स में, दूसरे की वाई में और तीसरे की जेड में स्टोर हो जाए। तो इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले के लिए प्रिंट एफ एंटर थ्री इंटीजर्स, और दूसरे के लिए स्कैन एफ तीन बार परसेंटेज डी, बाद में एम परसेंट एक्स एम परसेंट वाई एम परसेंट जेड सेपरेटेड बाई कॉमा लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ थ्री इंटीजर्स कम कॉन्टेंट इन वेरिएबल एक्स वाई जेड एंड सेंड द वैल्यू। एक ऐसा सी स्टेटमेंट लिखना है जो तीनों वेरिएबल एक्स वाई और जेड हैं उनको मल्टीप्लाई करे और उनकी जो भी मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू आए वो रिजल्ट को असाइन कर दे। और दूसरा प्रोग्राम लिखना है जिस जो प्रिंट करे दिस इज़ ए प्रोडक्ट, और उसके बाद में रिजल्ट की जो वैल्यू आई आए ऊपर वाले में वो प्रिंट कर दे। तो इसके लिए पहले में लिखेंगे रिजल्ट इक्वल टू एक्स स्टार वाई स्टार जेड सेमीकोलन, और दूसरे में लिखेंगे प्रिंट एफ स्टेटमेंट में लिखेंगे दिस द प्रोडक्ट इज और परसेंटेज डी, और बाद में फर्स्ट आर्गुमेंट के रूप में रिजल्ट को लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऊपर वाले जो भी क्वेश्चंस थे इनसे मिला के एक प्रोग्राम बनाना है। तो इनको सबको कंबाइन करके लिख दिया। इसमें एक लाइन यहाँ बीच में पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, बाद में इंट मैन पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और एंड में कर्ली ब्रैकेट को एंड कर दिया, इतना एक्स्ट्रा किया गया। ये कुछ आगे स्टेटमेंट्स हैं, इनमें गलती को पकड़ो और उसको ठीक करो। तो पहला स्टेटमेंट, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, अब इनको अलग अलग लिख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है प्रिंट एफ पैरेंथेसिस में है से कोटेशन मार्क है, कोटेशन में द वैल्यू इज परसेंटेज डी बैक स्लैश एन, और बाद में फर्स्ट आर्गुमेंट के रूप में एम परसेंट नंबर है। तो इसमें ये स्टेटमेंट है, इसमें गलती कहाँ है? तो इसमें ये गलती है, नंबर में एम परसेंट लगा हुआ है, यहाँ एम परसेंट नहीं होना चाहिए, और इसका करेक्ट है रूप करेक्शन इसमें होगा कि एम परसेंट उठा दिया जाए। तो वैल्यू इज द वैल्यू इज परसेंटेज डी, यहाँ से एम परसेंट उठा दिया, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्कैन एफ का, जिसमें दो बार कोटेशन मार्क में परसेंटेज डी है, बाद में एम परसेंट नंबर वन कोमा नंबर टू, ये इसमें गलती। तो इसमें गलती है नंबर टू के साथ, जहाँ एम परसेंट नहीं लगा हुआ, स्कैन एफ में एम परसेंट लगाना होता है। और इसको ठीक कैसे करेंगे? तो इसमें एम परसेंट लगा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, नंबर टू से पहले एम परसेंट लगा देंगे और ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो स्क्रीन पर है, इफ़ सी इज़ लेस देन सेवन सेमीकोलन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट प्रिंट एफ सी इज़ लेस देन सेवन न्यू लाइन और कर्ली ब्रैकेट ऑफ, इसमें गलती कहाँ है? तो यहाँ पर इसमें गलती ये सेमीकोलन है जो इफ़ सी लेस देन सेवन की पैरेंथेसिस बंद होने के बाद लगा हुआ है कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होने से पहले। ये वैसे हमें कंपाइलेशन में कोई गलती नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर सेमीकोलन इफ़ स्टेटमेंट को यहीं ख़त्म कर देगा, मतलब ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो इफ़ स्टेटमेंट की बॉडी में नहीं होगा, और इस केस में ये इफ़ स्टेटमेंट यूजलेस हो जाएगा। ये किसी तरह की कोई एरर हमें शो नहीं करेगा,
लेकिन जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा, रन किया जाएगा, तो यह हमेशा ही सी इज लेस देन 7 प्रिंट कर देगा, चाहे सी 7 से छोटा है या नहीं है। और यहाँ ये माना जाएगा कि सी जो इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, कुछ एग्जीक्यूशन के लिए है ही नहीं। इसे ठीक करने के लिए यहाँ से सेमीकोलन उठाना पड़ेगा और ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सी इज ग्रेटर सी इक्वल टू ग्रेटर देन 7 और कर्ली ब्रैकेट में प्रिंट एफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, इसमें क्या गलती है? तो इसमें ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन जो है वो इस तरह से, इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं लगेगा, इसको ठीक करना होगा। और इसको ठीक करने के लिए यहाँ इक्वल टू ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा दिया जाएगा। और जो इस तरह से अब नेक्स्ट आगे कुछ और स्टेटमेंट्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनमें गलतियाँ ढूंढनी है और उनको सुधारना है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको वन बाय वन देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट, स्कैनएप कोटेशन में डबल कोटेशन में डी वैल्यू, तो इसमें दो गलतियां हैं। एक स्कैनएप के साथ परसेंटेज डी नहीं लगा हुआ, यहाँ परसेंटेज आना चाहिए, और दूसरा वैल्यू के साथ एम परसेंट नहीं लगा हुआ। और इसको ठीक करने के लिए यहाँ परसेंटेज और वैल्यू के साथ एम परसेंट लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, यहाँ एक्स कोमा वाई, ये आ गया, इसमें क्या गलती है? तो इसमें गलती ये है कि जैसे फर्स्ट परसेंटेज डी है, ये यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट आर्गुमेंट की, सेकंड परसेंटेज डी की जगह वाई की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये तीसरा परसेंटेज डी है इसकी जगह किसकी वैल्यू आएगी, एक तो ये नहीं पता, दूसरा ये कोटेशन यहीं बंद हो गया, बैक स्लैश एन बाहर रह गया, जबकि बैक स्लैश एन कोटेशन के अंदर होना चाहिए था। ये गलती है, इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे? तो संभावित, तो एक तो जो थर्ड कन्वर्जन स्पेसिफायर है परसेंटेज डी, उसके लिए हम एक्स स्टार वाई यहाँ आउटपुट में लिख देंगे, दूसरा बैक स्लैश एन को कोटेशन के अंदर ले लेंगे। अगला स्टेटमेंट है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स, इसमें क्या गलती है? तो इसमें गलती ये है, एक तो सेमी कॉलन नहीं लगा हुआ, स्टेटमेंट एंड में सेमी कॉलन लगना चाहिए। दूसरा इसमें सबसे बड़ी गलती है, हम लेफ्ट साइड वैल्यू जो असाइन करते हैं वो लेफ्ट साइड में करते हैं, बाई तरफ करते हैं, मतलब सम ऑफ नंबर्स को यदि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के एडिशन की वैल्यू असाइन करनी है तो सम ऑफ नंबर्स लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में आ जाने चाहिए थे। तो एल वैल्यू में हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, जैसे यहाँ फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर हमने कैलकुलेशन करने की कोशिश की है, तो इसको करेक्ट लिखने के लिए सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर सेमी कॉलन, इस तरह से लिखेंगे। इफ नंबर इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इक्वल टू नंबर, इसमें क्या गलती है? तो इसमें दो गलतियां हैं, एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ग्रेटर देन पहले इक्वल टू का साइन बाद में आता है, दूसरा यहाँ कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं हम, इस तरह से लग रहा है यहाँ साइन करना चाहते हैं लेकिन डबल गलती से डबल इक्वल लग गया, जो इसको असाइन करने की बजाय कंपेरिजन करने लग जाता है, इक्वलिटी कंपेयर करता है। तो जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, एक तो उसको चेंज करना पड़ेगा ग्रेटर देन और बाद में इक्वल टू का साइन, और ये डबल इक्वल है इसकी जगह सिंगल इक्वल करना पड़ेगा और करेक्ट वे ये हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टार स्लैश प्रोग्राम टू डिटरमाइन द लार्जेस्ट ऑफ थ्री इंटीजर स्लैश स्टार, ये कमेंट है, सी प्रोग्रामिंग में कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट ऐसे करते हैं, लेकिन ये गलत है, इसमें दो गलतियाँ हैं। उसमें कमेंट में स्टार्टिंग और एंड में स्टार स्लैश और स्लैश स्टार नहीं, इनको उल्टा लगाते हैं, मतलब स्टार्टिंग में स्लैश स्टार लगाते हैं और एंड में स्टार स्लैश लगाते हैं, तो करेक्ट हो जाएगा इस तरह से इनको चेंज करके। नेक्स्ट, स्कैनएप परसेंटेज डी एंड इंटीजर, इस सेंटेंस में क्या गलती है? तो इसमें दो गलतियां हैं, पहला स्कैनएप में एस कैपिटल है, दूसरा एन इंटीजर के साथ एम परसेंट नहीं लगा हुआ,
सी प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव होती है, इसलिए स्कैनएफ में कैपिटल एस नहीं लिख सकते, अपर केस एस नहीं लिख सकते, और स्कैनएफ में जो वेरिएबल है उसको रीड करते समय एम्परसेंड देना होता है, उसका एड्रेस देना पड़ता है, एड्रेस के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। इसको लिखने का करेक्ट वे, यहाँ इसको स्मॉल कर दिया, यहाँ एम्परसेंड लगा दिया और ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है प्रिंट एफ रिमाइंडर ऑफ परसेंटेज डी डिवाइडेड बाई परसेंटेज डी वैक्सीन आर्ग्यूमेंट्स में एक्स वाई एक्स परसेंटेज वाई। इसमें भी एक गलती ये है कि हम पहले परसेंटेज डी के लिए एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे कन्वर्जन स्पेसिफायर पे वाई की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन तीसरा कन्वर्जन स्पेसिफायर भी नहीं लिखा, मतलब एक्स परसेंटेज वाई के लिए कन्वर्जन स्पेसिफायर नहीं दिया गया, तो हमें ये देना पड़ेगा और करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ये, जहाँ कन्वर्जन स्पेसिफाई दे दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इफ एक्स इक्वल टू वाई सेमीकोलन प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी एक्स कॉमा वाई। इसमें क्या गलती है, इसमें एक तो एक्स इक्वल टू वाई है, असाइनमेंट नहीं है, यहाँ हमें कंडीशन लगानी होती है, तो यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते, यहाँ शायद डबल इक्वल लगाना पड़ेगा जैसा कि हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, दूसरा यहाँ सेमीकोलन नहीं लगेगा, तो ये दो चेंज करने पड़ेंगे और इन दोनों को चेंज करने पर करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इस तरह से, इफ एक्स डबल इक्वल वाई प्रिंट एफ सो एंड सो। नेक्स्ट प्रिंट द सम इज परसेंटेज डी बैकस्लैश एन कॉमा एक्स प्लस वाई। इसमें क्या गलती है, तो इसमें भी दो गलतियां हैं, पहला प्रिंट कोई फंक्शन नहीं होता, ये प्रिंट एफ फंक्शन होता है सी प्रोग्रामिंग में, और दूसरा यहाँ कोटेशन मार्क बंद होने के बाद फर्स्ट आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होने से पहले कोमा आती है, कोमा अंदर लगा दी गई है, तो इसको ठीक करने के लिए कोमा को बाहर लगाना पड़ेगा और प्रिंट की जगह प्रिंट एफ लिखना होगा। प्रिंट एफ द वैल्यू यू एंटर्ड इज परसेंटेज डी एम परसेंट वैल्यू। इसमें तीन गलतियां हैं, पहली प्रिंट एफ में पी अपर केस में लिखा हुआ है, ये लोअर केस में होना चाहिए, दूसरा परसेंटेज ये फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग है उसमें कोटेशन मार्क बंद नहीं हो रहा, तो फॉर्म इसका मतलब ये हो गया फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग का एंड ही नहीं हुआ, और तीसरी गलती है जो वैल्यू है उससे पहले एम परसेंट दिया गया है, जो कि इसके एड्रेस को डिनोट करता है, हमें यहाँ इंटीजर चाहिए, कन्वर्जन स्पेसिफायर इंटीजर है, तो यहाँ ये इंटीजर होना चाहिए, इसलिए एम परसेंट उठाना पड़ेगा और करेक्ट वर्जन हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट राइट ए सिंगल सी स्टेटमेंट और लाइन दैट अकॉम्प्लिश ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक सी स्टेटमेंट लिखो या एक ऐसी लाइन लिखो जो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको पूरा कर सके। चलो एक एक देखते हैं, पहला है प्रिंट द मैसेज एंटर टू नंबर्स। एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना है जो ये प्रिंट कर दे एंटर टू नंबर्स, तो होगा प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स, इस तरह से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है असाइन द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल बी एंड सी टू वेरिएबल ए। एक ऐसा सी स्टेटमेंट लिखना है जिसमें बी और सी का मल्टीप्लीकेशन है वो वेरिएबल ए को असाइन किया जा सके, तो इसके लिए ए इक्वल टू बी स्टार सी सेमीकोलन लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द प्रोग्राम परफॉर्म्स ए सैंपल पेरोल कैलकुलेशन। तो एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना है जो हमें जब प्रोग्राम रीड कर रहे हैं तो ये दिखाए कि दिस इज ए प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ए सैंपल पेरोल कैलकुलेशन, ये जो डॉक्यूमेंटेशन में काम में आता है वो लिखना है, तो हम एक कमेंट लिख देंगे, कमेंट में लिख देंगे प्रोग्राम परफॉर्म्स ए सैंपल पेरोल कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट थ्री इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम कीबोर्ड एंड प्लेस देम इन इंटीजर वेरिएबल ए बी एंड सी। कीबोर्ड से तीन वैल्यूज देनी है और वो तीनों इंटीजर वैल्यूज पहली वैल्यू ए में, दूसरी बी में और तीसरी सी में स्टोर हो जाए, तो इसके लिए हम एक स्कैनएफ स्टेटमेंट लिख देंगे जिसमें तीन कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज डी होंगे, एम परसेंट ए एम परसेंट सी बी एंड एम परसेंट सी, ये तीनों फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट्स के रूप में लिख देंगे। नेक्स्ट इनमें से
गलत या सही सेंटेंस बताना है, और यदि गलत है तो कारण बताना है कि सही क्या है और ये गलत क्यों है। सी ऑपरेटर्स आर इवेल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सी में जो भी ऑपरेटर होते हैं, जो भी संकारक होते हैं, उन्हें पहले बाईं तरफ, बाद में दाईं तरफ, बाईं तरफ से जाएं दाईं तरफ, मतलब लेफ्ट से राइट जाते हुए इवेल्यूएट करना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी होती है, मतलब की जाती है। तो ये सेंटेंस गलत है, फॉल्स है, असत्य है। इसका कारण, सी प्रोग्रामिंग में कई तरह के बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और रिमाइंडर, मतलब शेषफल। इनको राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट किया जाता है, लेफ्ट टू राइट इनकी कैलकुलेशन की जाती है, लेकिन वो तब जब सेम प्रेफरेंस वाले रिपीट हों, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रेफरेंस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड से कम है, यदि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड आ गए तो पहले उनको कैलकुलेट किया जाएगा, उसके बाद में प्लस और माइनस को। यदि यहाँ सेम तरह के आ गए तब लेफ्ट टू राइट होता है, लेकिन यदि डिफरेंट तरह के आ गए तो लेफ्ट टू राइट नहीं होगा। उसके अलावा जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसको राइट टू लेफ्ट असाइन किया ऑपरेट किया जाता है, और इसी तरह से और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो अलग अलग तरह से ऑपरेट होते हैं। हम क्लियरली नहीं कह सकते कि लेफ्ट टू राइट ही होगा, वो डिपेंड करेगा कौन सा ऑपरेटर है उसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर ऑल वैलिड वेरिएबल नेम्स। ये आगे जो लिखे हुए हैं वो सारे वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं। यस ट्रू, ये इस कथन सत्य है। ये जो आगे लिखे हुए हैं सारे वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं, क्योंकि वैलिड वेरिएबल नेम्स में अल्फ़ाबेट आ सकते हैं, अंडरस्कोर आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकती हैं। इसके अलावा कोई भी वैलिड वेरिएबल नेम है उसकी स्टार्टिंग किसी अल्फ़ाबेट से होनी चाहिए या अंडरस्कोर से होनी चाहिए, जैसे कि ऊपर हो रहा है, क्योंकि ऊपर जो वेरिएबल नेम्स हैं उनमें अंडरस्कोर, बाद में अंडर, बाद में अंडरस्कोर, बाद में बार अंडरस्कोर, ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। दूसरा एम से स्टार्ट हो रहा है, वेरिएबल वैलिड है। तीसरा टी से स्टार्ट हो रहा है। चौथा जे से। नेक्स्ट हर अंडरस्कोर सेल्स, तो ये भी वैलिड हो गया। नेक्स्ट है हर अंडरस्कोर अकाउंट अंडरस्कोर टोटल, तो ये भी वैलिड है। आगे ए बी सी, ये भी वैलिड है। जेड वैलिड है, जेड टू भी वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट प्रिंट एफ डबल कोट्स में ए इक्वल टू फाइव सेमीकोलन, और प्रिंट एफ स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन, इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। कि ये जो लिखा हुआ है प्रिंट एफ कोटेशन में ए इक्वल टू फाइव सेमीकोलन, ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट का परफेक्ट असाइनमेंट स्टेटमेंट है। क्या ये कथन सही है? तो नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि प्रिंट एफ स्टेटमेंट में जो कुछ लिखा है वो एग्जीक्यूशन के टाइम वैसा का वैसा प्रिंट होगा। यहाँ ये भी रिक्वायर्ड नहीं है कि ए एक कोई इंटीजर या किस तरह का डाटा टाइप हो, ए वेरिएबल हो, ये भी जरूरी नहीं है। ये एक कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग है जो वैसी वैसी प्रिंट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर कोई किसी तरह का असाइनमेंट नहीं होगा और ये वैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा। ए वैलिड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग नो पैरेंथेसिस इज एवेलेटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें कोई भी कोष्टक नहीं दिया गया, छोटा कोष्टक नहीं है, तो उसको लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट किया जाता है, उसकी गणना की जाती है। ये कथन असत्य है, फॉल्स है, गलत है, क्योंकि विदाउट पैरेंथेसिस भी प्रेसिडेंस पे डिपेंड करता है, इनकी वरीयता पे डिपेंड करता है। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, उनसे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड या रिमाइंडर को ऑपरेट किया जाता है, उसके बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन को किया जाता है। यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सभी इनवैलिड वेरिएबल नेम हैं, जो वेरिएबल नेम लिखे हैं 3G87 67 H2 H2 2 and 2H। तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक वैलिड वेरिएबल नेम है और वो है H22, बाकी सब इनवैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे या जब हम कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो आउटपुट देंगे। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं और ये मान लिया है कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो इनका आउटपुट क्या होगा।
तो पहला स्टेटमेंट है प्रिंट एफ परसेंटेज डी, एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाए तो ये टू प्रिंट करेगा, नेक्स्ट वाला एक्स प्लस एक्स प्रिंट करेगा मतलब फोर प्रिंट करेगा, ये नेक्स्ट सेंटेंस है जो एक्स इक्वल टू प्रिंट करेगा ये कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग है, नेक्स्ट एक्स इक्वल टू टू प्रिंट करेगा, उसके नेक्स्ट है जो फाइव स्पेस इक्वल टू स्पेस फाइव प्रिंट कर देगा क्योंकि एक में एक्स प्लस वाई प्रिंट हो रहा है, एक जगह वाई प्लस एक्स दोनों ही फाइव होंगे, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये कैलकुलेशन का पार्ट है, नेक्स्ट स्कैन एफ स्टेटमेंट है जो एक्स और वाई की वैल्यू रीड कर रहा है ये भी कुछ प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये रीड करने के लिए, नेक्स्ट एक कमेंट है तो कमेंट भी कुछ प्रिंट नहीं करेगा, उसके बाद में प्रिंट एफ में न्यू लाइन है तो ये प्रिंट न्यू लाइन में ले जाएगा कर्सर को, डिस्प्ले में कुछ नहीं आएगा। आगे है कि चार स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनमें वो कौन से स्टेटमेंट्स हैं जिसमें किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, तो पहला स्कैन एप है, दूसरा एक कैलकुलेशन है, बाकी दो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं। तो पहले में वेरिएबल बी सी डी ई और एफ की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि स्कैन एप है तो जो भी कीबोर्ड से वैल्यूज डालेंगे वो बी पहली वैल्यू बी में, दूसरी सी में, तीसरी डी में, चौथी एम ई में और पाँचवीं एफ में स्टोर हो जाएगी, इनकी पुरानी वैल्यू को डिलीट कर देगा, पुरानी वैल्यू हटा दी जाएगी और नई वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है तो उसमें आई जे के की वैल्यू रीड की जाएगी और जो भी इनका एडिशन आ रहा है वो पी को असाइन किया जाएगा, मतलब पी की पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, पुरानी वैल्यू ये भूल जाएगा। आगे वाले दो स्टेटमेंट्स हैं उनमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, कोई भी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब एक ऐसा सी प्रोग्राम लिखना है जो यूजर को कहे कि दो नंबर इनपुट में दो और मतलब वो प्रिंट करे एंटर टू नंबर्स, और जो भी नंबर इनपुट किए जाएं कि यूजर द्वारा तो ये उनका सम मतलब एडिशन, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिफरेंस मतलब बाकी गठना और उनका क्वेश्चन मतलब उनको डिवाइड किया जाए भागफल और उनका रिमाइंडर प्रिंट कर दे। तो एक छोटा सा सी प्रोग्राम है जो दो वेरिएबल नम वन और नम टू को रीड कर रहा है, बाद में प्रॉम्प्ट कर रहा है गिव टू इंटीजर्स, या एंटर टू इंटीजर्स लिखना चाहिए था, एंटर टू नंबर लिखना चाहिए था। तो जैसा प्रॉम्प्ट करेगा जो भी नंबर देंगे वो पहला नंबर नम वन में, दूसरा नम टू में स्टोर हो जाएगा, बाद में सम इक्वल टू उन दोनों का समेशन, प्रोडक्ट इक्वल टू उन दोनों का प्रोडक्ट, डिफरेंस इक्वल टू उन दोनों का डिफरेंस, कोटेशन इज इक्वल टू उन दोनों का डिवाइड, रिमाइंडर इक्वल टू रिमाइंडर प्रिंट कर देगा। आगे है एक प्रोग्राम मतलब एक स्टेटमेंट लिखना है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखना है जो एक ही प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखना है जो वन टू फोर प्रिंट कर दे। तो पहला है एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखना, सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखना है, कोई कन्वर्जन स्पेसिफायर नहीं हो, मतलब कन्वर्जन स्पेसिफायर का मतलब उसमें परसेंटेज डी या परसेंटेज एफ जैसा कुछ नहीं लिखा हो उनके फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग में। तो और दूसरा है एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखना है जिसमें कन्वर्जन चार कन्वर्जन स्पेसिफायर्स हों, वन टू थ्री फोर के लिए ऑब्वियसली चार परसेंटेज डी होंगे, और तीसरा लिखना है जिसमें चार प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स हों। तो कई तरह से लिख सकते हैं, पहला जैसे आंसर्स हैं पहले मैं प्रिंट एफ में फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग में ही वन टू थ्री फोर लिख दिया है, दूसरे में फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग में परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी चार बार लिख दिया और बाद में आर्ग्यूमेंट्स में वन टू थ्री फोर लिख दिया, तीसरे में हम पहले वाले को भी चार हिस्सों में कर लिख सकते थे, इसको लिख दिया सीधा कन्वर्जन स्पेसिफायर और एज आर्ग्यूमेंट इंटीजर्स को लिख के चार प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख दिया। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसका आउटपुट क्या होगा, प्रिंट एफ स्टार वैक्सलेशन डबल स्टार वैक्सलेशन ट्रिपल स्टार वैक्सलेशन फोर टाइम्स स्टार वैक्सलेशन फाइव टाइम्स स्टार वैक्सलेशन, इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसका आउटपुट एक ट्राइंगल ट्राइंगल शेप में स्टार्स का कॉम्बिनेशन होगा जिसमें पहले लाइन में एक स्टार आएगा, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चौथे में चार, पांच में पांच। ये है आज की एक्सरसाइज, इसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो